नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। कुछ दिन पहले Redmi Note 8 Pro लॉन्च हुआ है, जिसमें Helio G90T और मैंने इसके साथ कंपैरिजन किया है Snapdragon 730 और 730G, जो कि Snapdragon सीरीज का सबसे बेहतर प्रोसेसर है। अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि Snapdragon 730G इसके खिलाफ Helio G90T कितना बढ़िया परफॉर्मेंस करता है। तो आज हम बात करेंगे इंडिया में अगले 8 हफ्ते में लॉन्च होने वाला Helio G90T वाला Redmi Note 8 Pro वर्सेस अगले कुछ हफ्ते में लॉन्च होने वाला Amazon एक्सक्लूसिव Huawei 9X Pro, जिसमें आएगा Kirin 810, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है Huawei की तरफ से। तो आज देखेंगे कि इन दोनों प्रोसेसर में से आखिरकार कौन सा सबसे बेहतर है। तो चलिए शुरू कीजिए आज का वीडियो बिना कोई वक्त गवाए। अगर आप गैजेट वर्ल्ड चैनल पे नए हैं और ऐसी वीडियो हर रोज देखना चाहते हैं तो गैजेट वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो पहले हम बात करते हैं Helio G90T और Kirin 810 के प्रोसेसर आर्किटेक्चर। Helio G90T बना है 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर और Kirin 810 बना है 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर। मैंने इससे पहले भी कहा है, फिर मैं कह रहा हूँ, प्रोसेसर आर्किटेक्चर एक प्रोसेसर का सबसे मेन पार्ट होता है। इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो प्रोसेसर कितना ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा, कितना कम उसमें हीट जनरेट होगा और कितना बढ़िया पावर एफिशिएंट होगा। अगर प्रोसेसर आर्किटेक्चर की बात करें, इस मामले में Kirin 810 Helio G90T से बेहतर है। अगर हम दोनों प्रोसेसर के जो प्रोसेसर कोर से उसके बारे में बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर Cortex A76 और Cortex A55 कोर्स के ऊपर बना है। वैसे Helio G90T के 4 हाई परफॉर्मेंस A76 कोर्स 2.05 GHz पर बना है और 4 लोअर परफॉर्मेंस A55 कोर्स 2 GHz पर बना है। अगर Kirin 810 की बात करें तो उसमें 2 हाई परफॉर्मेंस कोर Cortex A76 पर बना है, जिसका स्पीड है 2.27 GHz और 6 लोअर परफॉर्मेंस कोर बना है A55 कोर्स के ऊपर, जिसका स्पीड है 1.88 GHz। अगर हम दोनों के GPU की बात करें तो Helio G90T बना है Mali G76 GPU के ऊपर और Kirin 810 बना है Mali G52 MP6 के ऊपर। तो दोनों प्रोसेसर का परफॉर्मेंस देखने का सबसे बेहतर उपाय है Antutu बेंचमार्क स्कोर और Geekbench स्कोर। अगर Antutu बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो Redmi Note 8 Pro जिसमें Helio G90T उसका Antutu बेंचमार्क स्कोर है 280,000 के आसपास। अगर हम Kirin 810 जो कि Huawei 9X Pro में उसका Antutu स्कोर है 240,000 के आसपास और ये वाला स्कोर आखिर Huawei Nova 5 स्मार्टफोन का है। तो आप देख सकते हैं कि Antutu स्कोर में Helio G90T जीत जाता है आसानी से। अगर हम Geekbench की बात करें, Geekbench एक ऐसा बेंचमार्क स्कोर है जो कि एक प्रोसेसर के मेन दो चीज़, सिंगल कोर और मल्टी कोर, इन दोनों चीज़ के ऊपर स्कोर देता है। एक प्रोसेसर का सिंगल कोर स्कोर जितना बेहतर होता है वो प्रोसेसर उतना फास्ट होता है और मल्टी कोर स्कोर जितना बेहतर होता है वो प्रोसेसर एक ही साथ बहुत सारे काम को कर सकता है। तो Helio G90T का सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर है 2500 और 7700 के आसपास। अगर हम Kirin 810 का सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर की बात करें तो वो है 2800 और 7800 के आसपास। जैसे कि आप देख सकते हैं इस जगह पर Kirin 810 Helio G90T से बहुत ही बेहतर है सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर में। एक मेन चीज जिसके बारे में अभी कोई भी स्मार्टफोन कंपनी ज्यादा बात नहीं करता वो है AI स्कोर, मतलब क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे ऐप्स और बहुत सारे टास्क ऐसा होगा जो कि होगा सिर्फ उसके AI स्कोर के ऊपर। तो दोनों ही प्रोसेसर में अपना एक AI चिप लगा हुआ है जो कि सारे AI मतलब आर्टिफिशियल काम को करेगा। तो अगर हम Helio G90T के AI स्कोर की बात करें, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं ये ऊपर से थर्ड पोजीशन में आता है। Helio G90T का जो AI चिप है वो बिल्कुल Helio P90 जैसा है। तो हम कह सकते हैं कि Helio P90 का AI स्कोर जितना होगा Helio G90T का AI स्कोर उतना ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि तीसरे नंबर पे Helio G90T, दूसरे पोजीशन पे Snapdragon 855, मतलब दुनिया का सबसे बेहतर प्रोसेसर कह सकते हैं, लेकिन एकदम टॉप पोजीशन में Kirin 810। तो अब देखिए एक मिड रेंज प्रोसेसर AI स्कोर में सबसे बेहतर पोजीशन पे। तो इस प्रोसेसर कंपैरिजन के बाद मैं आखिर में ऐसा कहना चाहूंगा, अगर आप मुझसे पूछे कि Snapdragon सीरीज, Kirin सीरीज और Helio सीरीज में सबसे बेहतर मिड रेंज प्रोसेसर क्या है, तो मैं वोट देना चाहूंगा Kirin 810 को। क्योंकि पहला, ये बेहतर आर्किटेक्चर पर बना है। दूसरा, मैं Antutu स्कोर से ज़्यादा Geekbench स्कोर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, क्योंकि Antutu स्कोर एक ओवरऑल स्कोर आपको बताता है लेकिन Geekbench स्कोर आपको सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर को बताता है, जो कि एक प्रोसेसर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। कंप्यूटर में दो प्रोसेसर के बीच के डिफरेंस को देखें तो सब जगह पर आपको दिखेगा सिंगल कोर का डिफरेंस और मल्टी कोर का डिफरेंस,
इसलिए मैं इस बार Antutu से ज्यादा Geekbench Score को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। तीसरा इसका AI Score, क्योंकि फ्यूचर में मतलब एक दो साल के अंदर बहुत सारे एप्स ऐसा आएगा जो कि सिर्फ AI चिप के ऊपर ही निर्भर करेगा। तो मेरा वोट जाता है Kirin 810 को। तो आज का वीडियो यही तक, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।